Good morning, my dear kids and parents. Hope you all are doing very well at home. Today, now we'll do the revision of our subject, next subject, that is Max. Okay, numbers and Max. आपके book में होगा numbers and Max करके. Okay. So the next slide, it's on page number 8. आपको क्या है readiness skill 1. और उसमें क्या था? आपको जो similar जो images है, उसको आपको square करना था. Done. So ये जो है, वो आपको एक्टिविटी करके एक्सरसाइज करके मामा को बोलना कि दो दिन ऐसे करके दे दो. सो आई विल मेक अ स्क्वायर अराउंड द सेम ऑब्जेक्ट्स. ओके, यस. द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी इट्स रिटन पेज नंबर 17 एंड द टॉपिक नेम इज रेडीनेस स्किल 2. उसमें क्या था? यू हैव टू टिक द ऑब्जेक्ट, टिक द इमेज विच इज डिफरेंट. जो बाकी दो इमेजेस से डिफरेंट है, वो इमेज को आपको आइडेंटिफाई करके टिक करना था, है ना? सो उसका भी आप एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे. ओके, यस. द नेक्स्ट स्लाइड इज शोइंग द पेज नंबर 18 और उसमें क्या है? विच नंबर? इट्स नंबर 1. और हमने कैसे सीखा था? बोर्ड में हमने सीखा हाउ टू काउंट द बीड्स, है ना? बीड्स को काउंट किया और उसके जो नंबर आया, जो नंबर 1, उसका हमने कलर किया, है ना? उसके बाद हमने ट्रेस किया, देन हमने लिखा, है ना? सो आप भी ऐसे ही घर पे काउंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. ओके, यस. द नेक्स्ट स्लाइड इज शोइंग पेज नंबर 22 एंड द टॉपिक नेम इज नंबर 2. अभी जैसे 1 के लिए किया, ऐसे 2 के लिए आप काउंट करेंगे 2 बीट्स, उसके बाद 2 को कलर किया, है ना? उसके बाद 2 को मतलब ट्रेस किया, फिर यू रोट द नंबर 2, है ना? सो उसका भी राइटिंग और ट्रेसिंग का प्रैक्टिस करना, ठीक है? यस. द नेक्स्ट स्लाइड इज शोइंग द पेज नंबर 28 एंड द टॉपिक नेम इज नंबर 3. सेम फॉर 1, 2. हियर ऑल्सो यू विल काउंट, है ना? एंड देन यू ऑलरेडी हैव डन द कलरिंग. And you will now revise how to trace and write the number 3. Okay, yes. Next slide is showing the page number 36 and the topic is number 4. है ना? इधर भी हम क्या करेंगे? You will count the objects, you will count the beads, है ना? Then आपने coloring किया है already and you have already done the tracing and writing part. So इसका आप exercise आप खुद revise करके लिख के आप practice करना. Okay. Yes, so the next slide is showing the page number 43 and usme hamara topic ka naam hai big and small, that is one first part. Okay, isme kya aata? We have to color the objects which is big or small, hai na? Big objects ko bhi find out karke color karne ka aur small ko aise respective. So aise aap bhi ghar pe koi cheez aise hai to na, bada chota aise identify karo. Mummy ko bola, mama this is very big and this is too small, hai na? Aise aapko exercise karna hai. Done? Yes. The next slide is showing, we'll go to the page number 45 and usme kya hai? That is topic number 5. Hame number 5 ka count kiya, color kiya, trace and write kiya. Aur aap bhi kya exercise karoge? You will also write to trace and write the number and count the number 5. Okay? Yes. And coming to the next slide, it's page number 53 aur usme topic name tha number 6. Of course, hamara number 6. और 6 भी आपने काउंट किया, कलर किया, ट्रेस राइट किया, बट आप क्या करेंगे घर पे? प्रैक्टिस करेंगे काउंटिंग एंड राइटिंग एंड ट्रेसिंग द नंबर 6. ओके, यस. द नेक्स्ट स्लाइड कमिंग टू पेज नंबर 54, इसमें क्या था? बिग एंड स्मॉल का सेकेंड एक्टिविटी था. और इसमें क्या किया हमने? साइड में लिखा था कि BIG बिग, SMALL स्मॉल, और उसके बाजू में दो इमेजेस दिया. अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट इमेज था पोमेग्रेनेट लाइक अनार, उसका बड़ा भी दिया, छोटा भी दिया. और आपको क्या, आपने क्या किया? बिग लिखा है तो आपने बिग वाले को सर्कल किया. अगर स्मॉल के बाजू में दो अम्ब्रेलास दिया हुआ था, उसमें आपने क्या किया? स्मॉल वाला अम्ब्रेला को सर्कल किया, है ना? सो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करके वो एक्टिविटी करने का भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना. ओके, यस. द कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज पेज नंबर 57, उसमें था रेडनेस स्किल 3. और उसमें क्या था? जो अलग, जो ऑड वाला, मतलब अलग जो दिखता है, उसको आपको सर्कल करना था. फर्स्ट एग्जांपल था फिश, है ना? तो उसमें सबसे छोटे फिश ही डिफरेंट है, बाकी दोनों बराबर एक जैसे है. सो हमने क्या किया था? स्मॉल को सर्कल किया था, राइट? यस. सो आपको इतने सारे, मतलब ये आपने ऑलरेडी कर चुके हैं एंड इट्स इजी, आई थिंक आप लोग करेंगे अच्छे से. और आपको ज्यादा ध्यान किस में देना है? जो राइटिंग नंबर्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर तक का, 6 तक का, 1 to 6 तक का ट्रेसिंग और राइटिंग में ज्यादा ध्यान देना है. लिखोगे ना अच्छे से? यस. सो
अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना. ओके, सो थैंक यू सो मच माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स. स्टे सेफ एट होम.